हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनॉम। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो लोग उनके चारों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम को 17 मई 2022 से कुछ चेंजेस उसमें करने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में वो सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में इस चेंजेस के बाद ये क्रेडिट कार्ड कैसा होगा उसके बारे में मेरा ओपिनियन। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक उनके चारों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो बेनिफिट के बारे में अगर आपको जानना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लो तो बेनिफिट के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन चारों कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम में चेंजेस होने वाला है उसके बारे में। तो पहले बात करते हैं वेल्थ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में जो चेंजेस होने वाला है उसके बारे में। वेल्थ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में बात करें तो इफेक्टिव फ्रॉम 17 मई 2022, इस दिन से आप जो 10x पाने के लिए 20,000 स्पेंड करते आपके वेल्थ कार्ड को यूज़ करके, वो आपको अब 30,000 करना होगा। मतलब आप 30,000 स्पेंड करेंगे एक महीने में, उसके बाद जो स्पेंड होगा उसमें आपको 10x मिलेगा। पहले ये 20,000 था, पर मई 17 से आपको 30,000 स्पेंड करना होगा और उसके बाद जाके आपको 10x मिल पाएगा। फर्स्ट अक्टूबर 2022 से आप आपके कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को आप कोई भी तरीके से रिडीम कर लो, पर रिडीमशन आपको 99 रुपीज प्लस GST का चार्जेस लगेगा। और न्यू जो रूल आया है उस हिसाब से वेल्थ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। रिवॉर्ड रेट बिल्कुल सेम है, पहले भी जो था अभी भी सेम ही रहेगा, पर उसमें 10x जो लिमिट था, मतलब 20,000 स्पेंड करने के बाद आपको 10x मिलता था, वो अब 30,000 हो चुका है। बस एक चेंज इसमें हुआ है। सिलेक्ट कार्ड के बारे में बात करें तो सिलेक्ट कार्ड में दो चेंजेस हुआ है। एक तो आपको पहले 20,000 स्पेंड करना होता था 10x के लिए, अभी आपको 25,000 स्पेंड करना होगा। सेकेंड चेंज जो हुआ है इस कार्ड में वो है 1x, मतलब एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है इस कार्ड पे। पर यह भी चेंज होने वाला है 17 मई से, ये चेंज होके 1x हो जाएगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट फॉर एवरी 125 रुपीज स्पेंड। मतलब 17 मई से आपको आपके कार्ड को यूज करके एवरी 125 रुपीज स्पेंड करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और फर्स्ट अक्टूबर 2022 से आप किसी भी तरीके से आपके कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करो, 99 रुपीज प्लस GST का चार्जेस आपको पर रिडीमशन लग जाएगा। तो न्यू जो रूल आया है इस कार्ड पे उस हिसाब से इस कार्ड का रिवॉर्ड रेट होगा ऑनलाइन स्पेंडिंग के लिए, मतलब 6x कैटेगरी 1.2%, ऑफलाइन स्पेंडिंग मतलब 3x कैटेगरी उसमें है 0.6%, 10x कैटेगरी इसमें है 2%। और 10x के लिए आपको अभी एवरी मंथ 25,000 स्पेंड करना है, उसके बाद जाके आपको 10x मिलेगा। और ओल्ड रिवॉर्ड रेट क्या था इस कार्ड का वो आपको साइट पे दिख जाएगा स्क्रीन के। मिलेनिया और क्लासिक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो दोनों कार्ड में जो चेंजेस हुआ है वो बिल्कुल सेम टू सेम चेंजेस हुआ है। तो दोनों कार्ड में ही 17 मई से आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पे। पहले मतलब अभी भी हम लोगों को मिलता है एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट, पर ये 17 मई से चेंज होने वाला है, एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब 1x रिवॉर्ड पॉइंट अब आपको एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पे मिल जाएगा। और फर्स्ट अक्टूबर से इस कार्ड पे भी आपको रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्जेस 99 रुपीज प्लस GST पर रिडेम्पशन आपको लगेगा। तो न्यू रूल के हिसाब से इन दोनों कार्ड का जो रिवॉर्ड रेट होगा वो है ऑनलाइन में 1%, ऑफलाइन में 0.5% और 10x कैटेगरी में 1.67%। ओल्ड जो रिवॉर्ड रेट था वो बिल्कुल सेम टू सेम था वेल्थ कार्ड के जैसा ही था इसमें भी, पर अभी वो चेंज हो चुका है और ओल्ड जो रिवॉर्ड रेट है वो आपको स्क्रीन पे साइट पे दिख जाएगा। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक के इन चार कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में जो चेंजेस हुआ है वो मेरे ख्याल से होना ही था, क्योंकि इन चार कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम एक तो बिल्कुल सेम था, मतलब लोअर वेरियंट हो या फिर हायर वेरियंट, कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल सेम था। ऐसा कोई भी बैंक नॉर्मली नहीं करते। और ये चारों कार्ड लाइफ टाइम फ्री था और ये चार कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम का रिवॉर्ड रेट था 10x रिवॉर्ड अगर हम देखें तो सारे स्पेंडिंग पे हम लोगों को 20,000 स्पेंडिंग के बाद 10x मिल जाता था। तो 10x का मतलब था 2.5% का रिवॉर्ड रेट, जो कि मेरे ख्याल से सारे स्पेंडिंग के लिए काफ़ी हाई था एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो। जो मिलेनिया और क्लासिक कार्ड है इन दोनों कार्ड के जो चेंजेस हुआ है
उसके बाद तो ये कार्ड दोनों बिल्कुल बेसिक सा कार्ड हो चुका है, पर इन कार्ड के जो बेनिफिट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब रेलवे लॉन्ज एक्सेस आपको इस कार्ड पे अभी भी मिल जाएगा, तो रेलवे लॉन्ज एक्सेस के लिए इस कार्ड को आप बिल्कुल रख सकते हो। जो सिलेक्ट वेरियंट का कार्ड है उसका जो वैल्यू था वो मेरे ख्याल से बहुत लूज हो चुका है, और वो कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम अभी आपको अमेजोन पे और एक्सेस फ्लिपकार्ट जैसा नजर आएगा या फिर उससे कम नजर आएगा। फिर भी ये IDFC फर्स्ट बैंक का सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट था वो चेंज नहीं हुआ है, और इसको आप रेलवे लॉन्ज एक्सेस, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस के लिए यूज कर सकते हो, और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी होगा। मेरे ख्याल से जो वेल्थ कार्ड है उसमें कोई भी बहुत ज्यादा डिवेल्युएशन नहीं हुआ है, बस आपको 20,000 स्पेंड करना होता था पहले 10x के लिए, अभी आपको 30,000 स्पेंड करना होगा। सारे कार्ड डिवेल्यूड हुआ है, बहुत ज्यादा डिवेल्यूड हुआ है, पर वेल्थ उतना ज्यादा डिवेल्यूड नहीं हुआ है। पर वेल्थ कार्ड को लेना उतना भी ईजी नहीं है, पर जैसा कि मैं पहले भी बोला कि ये सारे कार्ड भी रिकमेंडेड होगा, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा, और इसका जो बेनिफिट है वो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें आपको रेलवे लॉन्ज एक्सेस भी मिल जाता है, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी मिल जाता है, आपको कार के रोड साइड असिस्टेंट कवर मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इन चार कार्ड को आप यूज कर सकते हो, पर हाँ बहुत ज्यादा डिवेल्यूड हुआ है और रिवॉर्ड सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा, वो तो है ही। IDFC फर्स्ट बैंक उनके टॉप प्रीमियम कार्ड लॉन्च करने वाला है, IDFC फर्स्ट प्राइवेट। इसका चार्जेस होने वाला है 50,000 प्लस GST पर ईयर। चार्जेस तो बहुत हाई है, पर इस कार्ड में कैसा बेनिफिट होगा उसको पहले हम लोगों को देखना होगा, इस कार्ड के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले। तो हम लोग वेट करेंगे इस कार्ड के जो पूरा बेनिफिट है उसको आने के लिए, जब बेनिफिट आ जाएगा फिर आप लोगों को चैनल पे वीडियो जल्द देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।